हेलो एंड वेलकम टू द एक्नोफेयर। मैं केश मिश्रा, आप सभी का अपने इस चैनल एक्नोफेयर पर स्वागत करता हूं। जी हां, आयोग द्वारा आरओ एआरओ की परीक्षा में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। इस बदलाव को समझ लेना बहुत बारीकी से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनानी भी बहुत आवश्यक है। हो सकता है ये बदलाव आपके लिए फायदेमंद हो और हो सकता है ये बदलाव आपके लिए नुकसानदायक भी हो। तो बहुत सारे लोग आप में से होंगे जो समझ गए होंगे अपने अकॉर्डिंग, सबकी स्ट्रेटजी अलग होती है। तो कुछ लोग समझ रहे होंगे कि हमारे लिए फायदे की बात है, कुछ लोग समझ रहे होंगे ये हमारे लिए नुकसान की बात है। तो कैसे क्या बदलाव किया गया है इसको हम समझेंगे। जैसे आप पहले पेपर देने जाते थे तो एक पेपर आप जनरल स्टडीज का देखते थे, दूसरा 2 घंटे के ब्रेक के बाद आप जनरल हिंदी का देते थे। अब आयोग ने क्या किया है, आयोग ने सिर्फ एक पेपर रखा है, अब सिर्फ एक ही पेपर होगा। उन दोनों पेपर को मर्ज कर दिया गया है। अब जो पहले आपका जनरल स्टडीज का पेपर और सामान्य अध्ययन का अलग अलग पेपर होता था, अब एक ही पेपर होगा जिसका नाम होगा सामान्य अध्ययन एवं सामान्य हिंदी। पेपर के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है, आपका जो सब जो आपका सिलेबस है सिलेबस में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है, बस उन दोनों पेपर को मर्ज कर दिया गया है। अब इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं इस पे हम बात करेंगे अभी, और क्या नुकसान है, नुकसान कम है फायदा ज्यादा है, इन सभी पॉइंट्स पे हम बहुत अच्छे से आपके सामने बात करेंगे। बस आप ध्यान से सुनते रहिए। देखिए ये जो पेपर है ये 200 मार्क्स नंबर का होगा, ठीक है। इसमें टोटल 200 क्वेश्चन होंगे जिसमें 140 क्वेश्चन आपके जीएस के होंगे जनरल स्टडीज के, और 60 क्वेश्चन आपके कितने होंगे जनरल हिंदी के होंगे। अब आप एक बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, यहाँ इसके फायदे की अगर मैं बात करता हूँ, पहले क्या होता था, पहले हम स्टूडेंट के फायदे की बात करते हैं फिर आयोग के फायदे की बात करेंगे। तो देखिए क्या होता था, पहले हम जाते थे जनरल हिंदी में तो खूब दिमाग लगाते थे, पता चलता था पूरे क्वेश्चन भी हम नहीं कर पाते थे और हमारा समय खत्म हो जाता था। लेकिन जब जनरल हिंदी पे हम जाते थे तो जो क्वेश्चन होते थे 60, उनको हम लोग क्या करते थे, कभी कभी 30 मिनट में अटेंड कर लेते थे और इसके बाद में बैठे होते थे बाकी के 30 मिनट। अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि पेपर एक है, अब समझिए अगर हमें लगता है कि हिंदी वाला पेपर हम 30 मिनट में अटेंड कर लेते थे तो अब बाकी के जो बचे हुए आपके 30 मिनट होंगे वो आप जीएस पर दे पाएंगे, जीएस पर और ज्यादा मेहनत से आप जो है उसको कर पाएंगे। जो क्वेश्चंस आपके अधूरे रह जाते थे, जो एक आप टोटल 140 क्वेश्चंस में से सारे अटेंड नहीं कर पाते थे, अब आप वो टाइम कहाँ देंगे, जीएस पे देंगे, ठीक। तो ये तो एक पॉजिटिव चीज हुई कि अब हम जीएस पर ज्यादा समय दे सकते हैं, जो हिंदी वाला समय हमारा बच जाता था और हम आराम से बैठे रहते थे, इधर उधर देखते रहते थे, पानी पीते रहते थे, उठ के जाने मिलता नहीं था, बोर होते रहते थे, उस समय को अब हम यहाँ पे खपा सकते हैं अपने जीएस पेपर के क्वेश्चन में, क्योंकि अब हमें बीच में ब्रेक नहीं लेना है, पूरा 1 घंटे का टाइम हमें इसी सिंगल एक पेपर में एक्स्ट्रा मिल जा रहा है। तो हम जो समय बर्बाद करते थे उसको यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, पहली चीज ये के ठीक। और दूसरी चीज क्या है, देखो हर एक समय 3 घंटा हो गया, पहले 2 घंटे और 1 घंटे अलग अलग मिलता था, अब उसको मर्ज कर दिया गया, समय 3 घंटा कर दिया गया। हर एक जो क्वेश्चन है वो भी 1 नंबर का होगा, ठीक है, 1 मार्क्स होंगे उसके, ठीक है, सिंगल मार्क्स। अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा इसमें, देखिए आयोग के लिए क्या फायदे की बात है, आयोग के लिए फायदे की बात यह है कि पहले उसको जो पेपर 2 दिन में कंडक्ट कराना पड़ता था, कुछ लोगों का आरओ एआरओ का आज होता था 2 पालियों में, कुछ लोगों का कल होता था 2 पेपर होते थे, अब उनको वो एक ही दिन में एडजस्ट कर सकता है, एक पाली में बाकी कुछ अभ्यर्थियों का और दूसरी पाली में बाकी के अभ्यर्थियों का एक ही दिन में वो पेपर। तो ऐसे क्या होगा, आयोग का खर्चा भी कम होगा, आयोग को जो है मैनेजमेंट के लिए भी जो है इतने ज्यादा शायद सेम चैलेंजेज में काम हो जाएगा, तो आयोग के लिए भी फायदे की बात है। तो दूसरी चीज अब देखो, इसमें कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि जब जनरल स्टडीज का पेपर हो जाता था इसके बाद हम बुक साथ में ले जाते थे और जो 3 घंटे का बीच में 2 घंटे का जो हमें ब्रेक मिलता था उस 2 घंटे तक हम क्या करते थे, रिवीजन कर लेते थे, अब हम वो रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो उन लोगों से ये कहना चाहूंगा, जब आप 1 साल में कुछ नहीं पढ़ पाए तो 2 घंटे में आप रिवीजन करके क्या पढ़ लेंगे। मुझे तो ये स्ट्रेटजी आज तक नहीं समझ में आई कि जो लोग एग्जाम देने चलते हैं साथ में बुक लेके चलते हैं, अरे भैया वो 2 घंटे मिलते हैं कि जो अभी आपने 2 घंटे वहां खपाए हैं, तो उससे थोड़ा सा रिलैक्स हो लो, आगे फिर आपको पेपर देना है, वो 2 घंटे आपके रिवीजन के लिए नहीं होते हैं। रिवीजन करने के लिए आपका साल भर और इतने टाइम से तैयारी कर रहे हो, आप रिवीजन अगर नहीं कर पाए तो वो 2 घंटे में नहीं कर पाओगे, उसका सिर्फ पॉजिटिव इफेक्ट है और पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है आप पे। उसका फायदा उठाइए कि जो आपका हिंदी का समय बच जाता था उसको आप जीएस के पेपर में खपाइए। अब दूसरी चीज, बहुत सारे लोग बहुत सारे टीचर्स इस बात को लेकर जो है बहुत तरह तरह की वीडियो बना रहे हैं कि आयोग ने पीसीएस का पेपर पोस्टपोन कर दिया है, आयोग ने पीसीएस का पेपर पोस्टपोन कर दिया। तो देखिए आप लोगों से भी मेरा विनम्र निवेदन है और ऐसे जो टीचर हैं उनसे भी ये निवेदन है कि जब अभ्यर्थी पढ़ रहा है तो उसको जो है डिस्ट्रैक्ट मत करिए,
जरूरी नहीं कि हाँ जो है आपको कोई इनाम नहीं देगा सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हाँ जो है हमारी आयोग में बहुत पहुंच है, हमारी आयोग में अंदर तक जानकारी है, आयोग का नोटिस आने दीजिए। ऐसे में बच्चे क्या होता है, जो अभ्यर्थी हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अपनी पढ़ाई छोड़ के बैठ जाते हैं। और सपोज दैट आयोग लास्ट में नोटिस ना दिया, तो आपके सहारे जो बच्चे पढ़ाई छोड़ के बैठ गए हैं वो आप बाद में क्या कहोगे, अरे मेरी तो इन्फॉर्मेशन गलत निकल गई, इस बार गलत निकल गई, पिछली बार सही निकली थी। लेकिन उन बच्चों से पूछो जो आपके सहारे में 20 दिन बैठ चुके होंगे, उनका क्या होगा, आने वाले जब 10 दिन बचे होंगे तो उस 10 दिन में वो कैसे रिवीजन करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे। तो आयोग का नोटिस आने दीजिए, आयोग का नोटिफिकेशन आने दीजिए, इसके बाद सब साफ हो जाएगा। तब तक आप लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा, आप लोग बहुत अच्छे से अपनी तैयारी जारी रखिए, कंटिन्यू रखिए। अगर पेपर पोस्टपोन्ड होता है तो आपका कुछ नहीं जाएगा, बल्कि आप और मजबूती से तैयार खड़े होंगे, आपको और समय मिल रहा होगा अपने आप को मजबूत करने के लिए। लेकिन अगर पेपर पोस्टपोन्ड नहीं होता है तो भी आप तैयार खड़े होंगे। तो इस वजह से आप किसी भी तरह के भ्रम में, किसी भी तरह मत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो सकता है पोस्टपोन्ड हो जाए, बट हमें अजम्पशंस पे काम नहीं करना है, हमें अपनी तैयारी को मजबूती से रखना है, जिससे मतलब आगे आने वाले पेपर को हम अच्छे से दे पाए। तो किसी के बहकावे में मत आइए, और इन सब न्यूज को पढ़ के आप डिस्ट्रैक्ट तो बिल्कुल मत होइए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेरे पास खुद ही बहुत सारे लोगों के कॉल्स आई हैं, उनको लगता है कि पेपर पोस्टपोन हो रहा है तो हम पढ़ के क्या करें, हम PYQ एनालिसिस करके क्या करें, करंट अफेयर का रिविजन करके क्या करें। ठीक है, आराम से, कुछ लोग तो हो सकता है अपने मामा नाना के यहाँ, दादी के यहाँ जाने का प्लान भी बना के रख लिए होंगे, जो लोग अब तक बैठे हुए थे कि हाँ हमें मतलब अब 20 दिन कहीं सिलना नहीं, 1 महीने तक कहीं सिलना नहीं, कहीं नहीं जाना, हो सकता वो प्लान कर लिए हों कि भैया कल से चलिए अब 8-10 दिन घूम के आते हैं। तो ये सब चीज़ों से आप बाज जाइए, और खासकर ऐसे अध्यापकों से खासकर तो मेरा विनम्र निवेदन है कि ये जरूरी नहीं है कि हाँ जो है, देखिए जो आप ये बताते हैं ना कि हाँ जो है हमारी आयोग में बहुत पकड़ है, आयोग अंदरूनी जो जानकारी है हमारे पास आती है, वही जो अंदरूनी जानकारी आती है वही पेपर भी लीक कराती है। धन्यवाद।